कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत। आज आपको बताने वाले हैं कि इस जो यूएसबी वाईफाई डोंगल है, या फिर जिसको वाईफाई रिसीवर बोल सकते हैं, उसको आप कैसे अपने सिस्टम यानी कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसको निकाल लीजिए बाहर की तरफ। यहाँ पर ही आपको मिलता है कि यूएसबी डिवाइस इतना सा है, छोटा सा ही बिल्कुल, ये देखिए। और साथ में इसके बीच में जो कागज़ है उसके अंदर आपको मिलने वाला है एक ये विंडो के लिए इंस्टॉलेशन के लिए डिवाइस। तो आप जो ये किसी भी मैक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ में भी, और जहां मर्जी चाहें कर सकते हैं। और परचेज़ करना चाहें तो इसका लिंक भी जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 200 रुपये का मिल जाता है आपको। तो यहां पर जब वो मैं फटाफट आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए हमें ये जो ऑप्शन मिलते हैं यहां पर ये सिस्टम में, तो डोंगल को जो वो यहाँ पर लगा देना है, जो ऑप्शन होगा यूएसबी का आपका, और यहाँ पर लगा दीजिए आराम से। और यहाँ पर सीडी रोम जो है वो उसके अंदर आप इसको लगा दीजिएगा। वन सेकेंड, मेरा सीडी रोम कई बार काम नहीं करता है, पुराना हो चुका है काफ़ी सिस्टम। ये देखिए ये बाहर आ गया है। और यहाँ पर हमें जो वो बीच में वो वाली जो सीडी थी वो रख देनी है यहाँ पर, ये देखिए आराम से। और उसके बाद कर देना है इस बटन को प्रेस, तो ये अंदर चली जाती है। उसके बाद आपको घूमना है अपने सिस्टम की तरफ। ये सिस्टम जो है हमारा स्क्रीन दिख रही है, फोटोग्राफ मेरा ही लिया हुआ है। अभी जो आपको क्या करना है, जाना है यहाँ पर, देखिए ये ऑप्शंस अपने आप ही खुल जाते हैं। अगर नहीं खुलते हैं तो मैं बताता हूँ मिलेगा कैसे। आप जाइए यहाँ पर स्टार्ट में, और जाने के बाद जाइए आप सीधा कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पर जब आपको देखिए इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, और यहाँ पर मिलेगी आपको रिमूवेबल डिस्क या ड्राइव। यहाँ पर देखिए आपको डीवीडी ड्राइव मिलने वाली है, तो आप इस ड्यूटी ड्राइव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा डबल टैप। और यहाँ पर देखिए आपके सामने ये वाला सॉफ्टवेयर खुल करके आ जाता है। अभी ये पूछ रहे कि आपके पास में क्या है, विंडोज़ है, मैक है, या लाइनेक्स है, या फिर यूज़र मैन्युअली चाहते हैं आप, या ब्राउज सीडी के जरिए ऑप्शन खोल करके चाहते हैं, तो आप कैसे जो इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमारे पास में अभी विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ का चुनाव कर लेता हूँ। अगर आपके पास में और तरह की कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो आप चुनाव कर लीजिए। विंडोज़ से मतलब विंडोज़ 7, 8, विंडोज़ 10, और ये अपनी जो होगी विंडोज़ XP वगैरह, ये है जो विंडोज़ का मतलब। अभी देखिए आपके सामने प्रोसेसिंग चल रही है आगे की तरफ, और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक ऑप्शन खुल गया है इस तरह का। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप इसको सही में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो कर दीजिए क्लिक येस पर। और जैसे आप यस पर क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया जाता है। और जैसे आपके ड्राइवर्स सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, देखिए आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। ये कह रहा है कि लैंड ड्राइवर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने सारा प्रोसेस किया जाएगा बिल्कुल पूरा का पूरा। मैं अभी के लिए कर देता हूँ इसको कंप्लीट। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आपके सामने देखिए प्रोसेसिंग जारी है अभी। ये जैसे ही प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद आपका कंप्यूटर करना होगा आपको रीस्टार्ट, और उसके बाद आप वाईफाई से कनेक्ट कर पाएंगे आसानी से। वहाँ पर आपको जो वो प्रॉब्लम्स जो वो नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, क्या सिस्टम है आपका, और इसके अंदर आपको क्या करना है। और आप जहाँ पर अभी जो वो देख सकते हैं, तो हल्का वाईफाई का आइकन नीचे की तरफ आ गया है, वो अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। यहाँ पर देखिए इसको प्रोसेसिंग को पूरा होने दीजिए एक बार के लिए, थोड़ा समय भी कई बार ले लेता है ये, इतना जल्दी भी नहीं होता है। तब तक हम लोग अपनी बातें कर लेते हैं। आप जो वो चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप हमेशा देख सकें, और ऐसी वीडियोज़ आपको हमेशा जो वो मिल सके। ये देखिए काम हो गया है पूरा, इतनी ही बात बोलते ही। और नाउ इंस्टॉलिंग, ये देखिए रियल टेक यूएसबी वायरलेस ड्राइवर, लैंड ड्राइवर। यहाँ पर जो वायरलेस लैंड ड्राइवर इंस्टॉल किया जा रहा है कंप्यूटर के अंदर आपके, तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है कंप्लीट, आप जो आसानी से इसको कर पाएंगे आगे तरफ यूज़। थोड़ा समय लेता है ये, इतना जल्दी नहीं होता है प्रोसेस, थोड़ा वीक रहता है प्रोसेस में, और वो आपको कंप्लीट जो वो करना होता है। तो अभी देखिए आपके सामने, अगर आपके सिस्टम में कोई दिक्कत रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, लैंड ड्राइवर सही से इंस्टॉल नहीं होते हैं, वैन या फिर कोई भी जगह नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर एरर आपको मिलने वाला है, प्रॉब्लम्स रहने वाली है। उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बता दूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, और वहाँ से आसानी से जब वो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इस ड्राइवर को डाउनलोड करके, ये काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास में आने वाले समय में कभी ये सीडी गुम हो गई है तो भी आप जब इसको कर सकेंगे, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अभी देखिए आपके सामने ये
बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है। जब तक ये डमरू बना हुआ है ना, ये देखिए साथ में, हमारे एरो के साथ में ये डमरू बना हुआ है, इसका मतलब प्रोसेसिंग चल रहा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्यूटर को बंद मत कीजिए। देखिए ये दिखाया जा रहा है कि आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और उसके बाद आपका वाईफाई एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर हमारा वाईफाई रीस्टार्ट होने से पहले ही, यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे की तरफ, ये देखिए वाईफाई आ चुका है। तो आप इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो फिनिश वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर आपका और आप कनेक्ट कर पाओगे आसानी से। यहाँ पर देखिए आपको मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, और यहाँ पर अपना वाईफाई वाले आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको आपका वाईफाई जो भी होगी वो दिख जाएगी। आप उस पे ओके कीजिएगा, कनेक्ट पे ओके कीजिएगा, जैसे ये है कनेक्ट पे ओके कीजिएगा, पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से जो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं वाईफाई के ड्राइवर्स को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे तो जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ फ्री में हमेशा आपको मिलती रहे। बने रहे हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।